आज हम लोग देखेंगे किस तरह से लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर वहां से हम लोग जो हम लोगों को डेटाबेस चाहिए उसके ईमेल आईडीज कैसे पता करें। जब तक आपका ईमेल टारगेटेड ऑडियंस के पास पहुंचेगा नहीं, उस ईमेल का ओपन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लास्ट 20 ईयर्स है जब से इंटरनेट मार्केटिंग का ट्रेंड शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कंपनीज मैक्सिमम एक टूल का यूज करती है और उस टूल का नाम है ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग का यूज मैक्सिमम वे में क्यों होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है उसका कन्वर्जन। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट, एक रिश्ता कायम करते हो और उस रिश्ते को कन्वर्ट करते हो सेल्स में। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग एक सबसे बढ़िया टूल होने का रीजन ये भी है कि इसका कन्वर्जन 50% से भी ज्यादा है। दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग यूज करना आसान है, उसके एक्सपेंसेस कम है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है, वो है ईमेल लिस्ट। फ्रेंड्स, ईमेल मार्केटिंग अगर यूज करना है तो उसके लिए आपके पास में होना चाहिए ईमेल का डेटाबेस, मतलब ईमेल लिस्ट। दोस्तों, वो भी टारगेटेड ऑडियंस की। अगर आपके पास में ईमेल लिस्ट है लेकिन वो टारगेटेड ऑडियंस की नहीं है, मतलब अगर आपको टारगेट करना है अपना प्रोडक्ट 40 प्लस के लिए लेकिन आपके पास में है 20 प्लस का डेटा, दोस्तों वो यूज का नहीं है, वो काम का नहीं है। आपके पास में होना चाहिए 40 प्लस का डेटाबेस। और वो डेटाबेस, एग्जैक्ट डेटाबेस किस तरह से पता लगाओगे, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है पेड, अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप जाइए खर्च कीजिए और पेड में डेटाबेस परचेस कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू। और दूसरा तरीका है जो मैं बताने वाला हूं, और वो है फ्री ईमेल मार्केटिंग की लिस्ट कैसे क्रिएट की जाए। दोस्तों, अगर आपके पास में टारगेट ऑडियंस की ईमेल लिस्ट आ जाए और वो भी सर्टन एज ग्रुप में, या फिर आपके सैलरी ग्रुप में, या फिर आप उनके इंटरेस्ट के हिसाब से या डिजिग्नेशन के हिसाब से, तो क्या बात है। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर वहां से हम लोग जो हम लोगों को डेटाबेस चाहिए उसके ईमेल आईडीज कैसे पता करें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्री वाले ट्रिक्स और टिप्स, जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को या फिर अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ज्यादा अच्छी तरह से प्रमोट कर सकते हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आ गए हम लोग गूगल के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं ईमेल हंटर। ये ईमेल हंटर एक क्रोम एक्सटेंशन है। यहाँ पर आपको दो पेजेस दिखाई देंगे, एक तो है hunter.io और दूसरा है गूगल का chrome.google.com। दोस्तों, हम लोगों को ये chrome.google.com को कंसिडर करना है और इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इसको यहाँ पर एक टैब होगा एड टू क्रोम, इसको आप कर लेना है ताकि आपको ईमेल डेटा फेच करने में हेल्प करे। दोस्तों, फिर से एक बार गूगल के ऊपर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं इस तरह का कीवर्ड, जैसे साइट कोलन linkedin.com seo@gmail.com मुंबई। दोस्तों, यहाँ पर साइट कोलन के बाद में linkedin.com की जगह facebook.com twitter.com pinterest.com, जहाँ से भी आपको ईमेल आईडीज की ज़रूरत है वो पोर्टल यहाँ पे आप मेंशन करोगे। यहाँ पर .com के फॉर्म में जो भी उनका लिंक है उसको यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद में आप कीवर्ड डालोगे जिसके रिलेटेड आपको ईमेल आईडीज का डेटा चाहिए। जैसे मुझे SEO से रिलेटेड लोगों का डेटाबेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे SEO लिख दिया। उसके बाद में जिस अकाउंट का, जैसे @gmail.com के अलावा yahoo.com या फिर hotmail.com, जो भी ईमेल आईडीज आपको चाहिए उस ईमेल आईडीज को यहाँ पे लिखना है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ gmail.com लिखा है, अगर मैं ऐड करता हूँ इसके साथ में yahoo.com या फिर hotmail.com तो उसके भी ईमेल आईडीज मुझे दिखाई देंगे। तो मैं सिर्फ अभी जीमेल कंसिडर कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन। दोस्तों, अगर मुझे लोकेशन वाइज डेटाबेस चाहिए, वो भी SEO से रिलेटेड, अगर मैं HR हूँ और मुझे SEO से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव को अप्रोच करना है, तो दोस्तों ये एक सिंपल तरीका है। अगर मेरे पास में ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मैं मुंबई बेस्ड SEO एक्सपर्ट को ही पिच करूँ, तो मैं इस तरह से एक सर्च कर सकता हूँ। दोस्तों, अब मैं मुझे इसको सर्च में डालना है। सर्च करने के बाद में ये डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो दोस्तों, जैसे सर्च करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पर लिंक्डइन का पूरा डेटाबेस दिख रहा है। दोस्तों, लिंक्डइन के ऊपर में मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग लिंक्डइन के ऊपर में एक्टिव है और उनका डेटाबेस लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। सो इस तरह से गूगल के ऊपर में जाकर हम लोगों ने लिंक्डइन का डेटाबेस ओपन कर लिया है, वो भी रिलेटेड टू SEO। सबसे पहले हम लोगों को सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर आपको 10 से 100 पे लेके जाना है रिजल्ट पेजेस। जैसे 10 है तो मैंने ऑलरेडी 100 पे लेकर जा चुका हूँ, तो मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। तो 100 पे आने के बाद में हम लोगों को 100 रिजल्ट दिखाई देंगे। दोस्तों, जैसे अभी मैं आ जाता हूँ नीचे, तो अब मुझे 100 रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में भी 3 पेजेस हैं जिनके ईमेल आईडीज मैं कैप्चर कर सकता हूँ। अब ईमेल आईडीज कैप्चर करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हम लोगों ने जो क्रोम एक्सटेंशन ऐड करके रखा है
उस क्रोम एक्सटेंशन को ओपन करना है और वहाँ पे ऑल ईमेल्स का ऑप्शन जो या टैब दिया हुआ है इसको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको ईमेल आईडीज का डेटा यहाँ पे दिखाई देगा, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको इसको सेव करना है एक्सेल में। दोस्तों मैं एक्सेल में आ जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव करके रखा है एसईओ से रिलेटेड डेटा, ये डेटाबेस मेरे पास में है। नियर अबाउट फर्स्ट पेज के ऊपर मैं 209 लोगों का डेटा है। अगर मुझे सेकंड पेज का भी डेटा चाहिए मुझे तो आप मुझे जाना होगा सेकंड पेज के ऊपर में, और अभी हम लोग सेकंड पेज के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ का डेटाबेस चाहिए तो फिर से मुझे इस क्रोम एक्सटेंशन में जाना है ईमेल हंटर में और ऑल ईमेल्स करना है। अब यहाँ पे मुझे पास फिर से डेटाबेस आ चुका है ईमेल आईडीज का, इसको कॉपी कर लिया दोस्तों और फिर से एक्सेल में जाकर इसको यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास में आ चुका है जो डेटाबेस है वो नियर अबाउट 556 लोगों का डेटाबेस आया। आप अब इसको SEO की जगह आप चाहो तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर लेवल जो भी चाहिए डेटा आपको वो मेंशन कर सकते हो ताकि वो डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखाई दे। अब दोस्तों सभी सेगमेंट के या सभी इंडस्ट्री के मैनेजर्स का डेटा आ चुका है जो मुंबई में रहते हैं, जिनका आईडी जीमेल के ऊपर में है और जो लोग लिंक्डइन के ऊपर में अवेलेबल है। तो ऐसे आईडीज को अगर मुझे कैप्चर करना है तो फिर से मुझे जाना है क्रोम एक्सटेंशन में, ऑल ईमेल्स में जाना है, यहाँ से मुझे कॉपी करना है और एक्सेल में पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर दिया है मैनेजर नाम से, वहाँ पे वो डेटाबेस सेव कर लिया है। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाकर बाकी ईमेल आईडीज भी कैप्चर कर सकता हूँ और इस तरह से मैं नियर अबाउट 3,000 to 4,000, 5,000 का डेटाबेस चुटकियों में क्रिएट कर सकता हूँ, वो भी टारगेटेड ऑडियंस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जाइए अपना ईमेल मार्केटिंग का टारगेट ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट कर लीजिए और ईमेल भेजना शुरू कीजिए। दोस्तों अगर आपको ईमेल भेजना है तो उसके लिए कुछ फ्री में टूल्स हैं जैसे एवेबर है या फिर MailChimp जैसे टूल्स अवेलेबल है, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको और भी समझना है तो फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा दोस्तों, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि काफ़ी एफर्ट जाता है वीडियो बनाने के लिए और आपका प्यार मुझे मोटिवेटेड रखता है ज़्यादा वीडियो क्रिएट करने के लिए। दोस्तों प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर एंड वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय।